नमस्कार दोस्तों, आज हनुमान जयंती के अवसर पर हम उनके बारे में कुछ बेहद रोचक जानकारी के बारे में जानेंगे। हनुमान जयंती साल में दो बार क्यों आती है? हनुमान जी का नाम हनुमान जी क्यों पड़ा? उनके जन्म के पीछे की कहानी क्या है? इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। हनुमान जयंती को पवन पुत्र संकट मोचन और भगवान शिव के रुद्रावतार भगवान बजरंगबली का जन्मोत्सव माना जाता है। राम भक्त हनुमान को कलयुग के देवता और जल्द प्रसन्न होने वाले देवता माना गया है। हनुमान जी को भगवान शिव के 11वें अवतार माना गया है। राम भक्त हनुमान जी के जन्म को लेकर दो तरह की धार्मिक मान्यता है। एक मान्यता के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र माह के पूर्णिमा तिथि को हुआ था। वहीं इसके अलावा कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भी भगवान हनुमान की जयंती मनाई जाती है। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं कार्तिक महीने में हनुमान जयंती के रूप में। ऐसे में अब आपके मन में यह विचार चल रहा होगा कि साल में हनुमान जयंती दो बार क्यों मनाई जाती है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में हनुमान जयंती का त्यौहार दो बार मनाए जाने की परंपरा है। दरअसल भगवान हनुमान का जन्मोत्सव एक बार ही मनाया जाता है, जबकि दूसरी बार हनुमान जयंती को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर और स्वाति नक्षत्र में हुआ था। इस तरह से हनुमान जी का प्रगट पर्व यानी हनुमान जयंती कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा। संस्कृत भाषा में हनु को दाढ़ी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार से बजरंग बली की दाढ़ी में चोट लगने से उनकी दाढ़ी तिरछी हो गई थी। इस कारण से भगवान बजरंगबली का नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जयंती के त्यौहार को देश भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इस दिन हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो त्रेता युग से लेकर आज तक सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की कथा का श्रवण करने से बजरंग बली की कृपा बरसती है। आइए जानते हैं कि उनकी पूजा विधि क्या है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चौमुखी दीपक जलाएं और उसके अलावा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी की पूजा में गेंदे, हजारा, कनेर, गुलाब के फूल चढ़ाएं, जबकि जूही, चमेली, चंपा, बेला इत्यादि फूलों को चढ़ाने से परहेज करें। मालपुआ, लड्डू, चूरमा, केला, अमरूद आदि का भोग लगाएं। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। दोपहर तक इस दिन कोई भी नमकीन चीज खाने से बचें। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने से शीघ्र मनोकामना पूरी होती है। हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली को चमेली के तेल में मिश्रित सिंदूर का चोला चढ़ाएं, अक्षत, कनेर, गुड़हल या गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। नैवेद्य में मालपुआ, बेसन के लड्डू अर्पित करें। ओम हम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब आरती के पश्चात गरीबों को दान दें। आइए जानते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने और शनि दोष को दूर करने के उपाय। बजरंगबली हनुमान जी को मीठा पान अत्यंत प्रिय है। ऐसे में हनुमान जयंती के दिन अंजनी पुत्र हनुमान को मीठा पान जरूर अर्पित करें। पान में 5 प्रकार की वस्तुएं, कत्था, गुलकंद, खोपरा, सौंफ और गुलाब पत्री जरूर हो। इस बात का ध्यान रखें, साथ ही इस बात का ध्यान भी रखें कि इसमें चूना, सुपारी जैसी चीजें गलती से भी ना हो। मीठा पान अर्पित करने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जयंती के दिन नारियल लेकर हनुमान मंदिर जाएं और उसे अपने ऊपर से 7 बार वारते हुए हनुमान जी के सामने फोड़ दें। ज्योतिष के अनुसार इस उपाय को करने से सारी बाधाएं दूर होती है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को गुलाब की माला चढ़ाएं।
इस दिन 11 पीपल के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर उनकी माला बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शनि दोष दूर होता है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान मंदिर में श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन करते हुए राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है, इससे शनि देव भी खुश होते हैं और शनि दोष से राहत मिलती है। हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, इसलिए संकटों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली को सिंदूर का चोला चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। इससे बजरंगबली प्रसन्न होते हैं, आरोग्य सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और इससे शनि की नज़र भी दूर होती है। हनुमान जयंती के दिन शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर बजरंगबली को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाना शुभ होता है। साथ ही इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है। और इतना ही नहीं, भगवान हनुमान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सारे संकट दूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बजरंग बाण का उच्चारण तब करना चाहिए जब सभी किए जा रहे उपाय असफल हो जाएं। जब विपदा बहुत प्रबल हो जाती है तब इस पाठ का जाप करना अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। हनुमान जी की पूजा के दौरान न करें ये गलतियाँ। हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को उस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते समय काले और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से बचें। हनुमान जी की पूजा करते समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। हनुमान जयंती पर खंडित और टूटी हुई मूर्ति की पूजा न करें। पवन पुत्र हनुमान जी को हलवा, गुड़ से बने हुए लड्डू, बूंदी, बूंदी के लड्डू, पंचमेवा, डंठल वाला पान, केसर भात और इमरती अत्यंत प्रिय है। इन मिष्ठानों का भोग लगाने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब आइए जानते हैं कि पवन पुत्र कैसे बने महावीर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए हर साल चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी भगवान शिव के अंश थे, उनके पिता केसरी और माता अंजनी थी। जब उनका जन्म हुआ तो वे बहुत ही तेजवान, कांतिमय, बुद्धिमान और बलशाली थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए वैसे वैसे उनकी बाल्यकाल की शरारतें भी बढ़ने लगी। उनके बाल्यावस्था से जुड़ी एक कथा है जिसमें उनके महावीर बनने का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन बालक हनुमान आंगन में खेल रहे थे। उस दौरान उनको भूख लगी। उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझ लिया। उन्होंने उस लाल रंग के चमकीले फल को खाने के लिए आसमान में छलांग लगा दी। वे वायु के वेग से आसमान में उड़ने लगे और देखते ही देखते सूर्यलोक तक पहुंच गए। जैसे ही वे सूर्यदेव के पास पहुंचे, उनको निगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। यह देखकर सूर्य देव वहां से भागने लगे। अब सूर्यदेव आगे आगे और बाल हनुमान उनके पीछे पीछे। यह देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सूर्यदेव को बचाने के लिए हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े। इस बात का ज्ञान जब पवन देव को हुआ तो वे क्रोधित और दुखी हो गए, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र भी हैं। शोकाकुल पवन देव मूर्छित हनुमान जी को लेकर एक गुफा में चले गए और वहां पर उनकी मूर्छा टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। उधर वायुदेव के न होने के कारण पशु पक्षी मनुष्य सब त्राही त्राही करने लगे। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। उधर इंद्रदेव को भी पता चल चुका था कि जिस बालक पर उन्होंने प्रहार किया था वह कोई सामान्य बालक नहीं है, वह रुद्र अवतार हनुमान है। वायुदेव के दुख को दूर करने के लिए और पृथ्वी पर वायु के संकट को दूर करने के लिए त्रिदेव के साथ सभी प्रमुख देवता उस गुफा में प्रकट हुए। वहां पर सभी देवों को रुद्र अवतार हनुमान जी के बारे में पता चला। ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत सभी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित कर दिया। सूर्यदेव ने हनुमान जी को शिक्षा देने का दायित्व लिया। बाद में वे हनुमान जी के गुरु बन गए। इस प्रकार सभी देवों की शक्तियों के मिलने से पवन पुत्र महावीर हनुमान बन गए, जो प्रभु श्री राम के संकट मोचन कहलाए। आइए जानते हैं हनुमान जी को क्यों लेना पड़ा वानर का रूप।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा होती है उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वैसे तो हनुमान जी की कृपा के लिए मंगलवार का दिन खास होता है, लेकिन हनुमान जयंती के दिन अगर उनका विधि विधान से पूजन किया जाए तो कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर हनुमान जी ने वानर के रूप में जन्म क्यों लिया। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है और उसकी पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्रराज के महल की अप्सरा थी और उनका नाम पुंजिका स्थला था। वह रूप में आकर्षक और स्वभाव से चंचल थी और अपनी इसी चंचलता के कारण उन्होंने एक बार एक ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार किया था। तब ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में वानरी का रूप लोगी। इस श्राप को सुनकर अप्सरा दुखी हुई और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा कि तुम्हारा वानर रूप परम तेजस्वी होगा और तुम एक यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। तपस्या में लीन ऋषि से श्राप मिलने के पश्चात एक दिन पुंजिका स्थला से इंद्रदेव ने मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब पुंजिक स्थला ने इंद्रदेव से कहा कि यदि संभव हो तो वह उसे ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान कर दे। इंद्रदेव के पूछे जाने पर पुंजिक स्थला ने बताया कि मुझे प्रतीत हुआ कि वे ऋषि एक वानर हैं और मैंने उस ऋषि पर फल फेंकना शुरू कर दिए, परंतु वो कोई साधारण वानर नहीं अपितु परम तेजस्वी साधु थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया, जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूँगी। मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने पूरा वृतांत सुनने के बाद कहा कि तुम्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा, जहाँ तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी और फिर तुम्हें उस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र के वचन सुनकर पुंजिका स्थला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। उसे वन में एक बार एक युवक दिखा जिसकी ओर वे आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा, अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने युवक से अपना चेहरा छुपाया। जब युवक उनके पास आया तो अंजनी ने कहा कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, परंतु जब अंजनी ने उस युवक को देखा तो वो भी वानर के रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि मैं वानर राज केसरी हूँ और जब चाहूँ तब मनुष्य रूप धारण कर सकता हूँ। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और वे विवाह के बंधन में बंध गए। कुछ समय पश्चात जब दोनों संतान सुख से वंचित रहे, तब अंजनी मातंग ऋषि के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। तब मातंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। तब एक बार वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, सुवर्ण, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान प्राप्त होने के पश्चात वे शिव जी की तपस्या करने लगी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब अंजना ने ऋषि द्वारा मिले गए श्राप के विषय में बताते हुए कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म ले। शिव जी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और अंजना के गर्भ से बजरंगबली के रूप में शिव जी ने जन्म लिया। अंजनी पुत्र होने के कारण हनुमान जी को आंजनेय भी कहा जाता है। आइए एक और कथा के बारे में जानते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही पूजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण लिया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया
और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को प्राकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता और सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की जय। प्रभु श्री राम और माता सीता की जय। बजरंगबली हनुमान जी की जय। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।